इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत आने वालों के लिए 7 प्रतिबंध लगाया गया है। 7 ऐसा प्रतिबंध है जो आगे तक लागू रहेगा। हालांकि भारत में कोविड के केसेस बहुत कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल फ्लाइट पर जो प्रतिबंध है वह लागू रहेगा। दुनिया में कोरोना वायरस की केसेस कम होने लगा है, इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट पर अभी जो प्रतिबंधियाँ हैं उसे कई देशों ने ख़त्म कर चुका है, लेकिन भारत अभी ख़त्म नहीं करेगा। 7 प्रतिबंध आगे तक लागू रहेगा। अगर इंडिया आना चाहते हैं तो यह जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे प्रतिबंध हैं जिसको पूरा किए बगैर भारत नहीं आ सकते हैं। अगर यह जानना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। WHO ने बताया है कि दुनिया में नया लहर अब नहीं आएगा, इसलिए अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फ्लाइट के नियम को पूरा नहीं करेंगे तो भारत नहीं आ सकेंगे। जिसमें सबसे पहला नियम बताया गया है कि जो लोग चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, इन 7 देशों से अगर भारत आएंगे तो कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। चाहे वो सेकंड डोज वैक्सीन या फिर बूस्टर डोज वैक्सीन लगवा लिए हो, फिर भी टेस्ट करवाना अनिवार्य है, नहीं तो भारत नहीं आ सकेंगे। बाकी अदर देशों से जैसे कि UK, UAE, सऊदी अरबिया, US या किसी भी देश से भारत आएंगे, अगर 2 डोज वैक्सीन लगवा चुके हैं तो उन्हें कोविड टेस्ट नहीं कराना होगा। अगर वैक्सीन नहीं लगवाए होंगे तो कोरोना टेस्ट करवा करके ही आना पड़ेगा। दूसरा नियम में बताया गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना एयर सुविधा पोर्टल पर अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी यात्री भारत नहीं आ सकेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रहे हो, सभी यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना है। तीसरे नियम में बताया गया है कि डिपार्चर से पहले सभी लोगों को थर्मलाइज स्कैनिंग होगा। सिम्टोमेटिक ट्रेवलर को बोर्डिंग अलाउ नहीं किया जाएगा, केवल अनसिम्टोमेटिक ट्रेवलर ही यात्रा कर सकेंगे। चौथे नियम में बताया गया है कि भारत आने के बाद सभी लोगों को थर्मलाइज स्कैनिंग होगा। और पांचवा नियम में बताया गया है कि कोविड टेस्ट सिम्टोमेटिक ट्रेवलर को कराना अनिवार्य है। जैसे कि थर्मलाइज स्कैनिंग हुआ, और जिन यात्रियों पे कोई भी कोरोना का सिम्टम दिखाई देगा उसे कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य है। और छठे नियम यह है कि रैंडम टेस्ट सभी एयरपोर्ट पर लागू है। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आएंगे तो 2% यात्रियों को रैंडम टेस्ट कराना होगा। और सातवां नियम सेल्फ मॉनिटरिंग, अगर कोविड का कोई लक्षण नहीं है और रिपोर्ट भी नेगेटिव है तो सेल्फ मॉनिटरिंग अपने घर पर ही अपने हेल्थ को करना है। अगर पॉजिटिव पाए जाएंगे तो क्वारंटाइन में रह करके ही ट्रीटमेंट करवाना होगा। इन 7 नियम को फॉलो किए बगैर भारत नहीं आ सकते हैं।